नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 26 मार्च निफ्टी बैंक शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे और नॉर्मल आप लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी शेयर ले सकते हो। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह देखिए, आज का निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पूरा पॉजिटिव चला गया। ये देखिए, ग्लोबल न्यूज़ अच्छी है, इसके चलते पूरा यूरोपियन, एशियन और अमेरिकन मार्केट पूरा पॉजिटिव चला गया। ये देखिए, डाउ जोन्स अभी ओपन नहीं हुआ, टाइम लगेगा, लेकिन कल के न्यूज़ की बदौलत आज पूरा ये देखिए ग्लोबल इंडेक्स पॉजिटिव है। लेकिन ये देखिए, ज़्यादा दिन तो रहने वाला नहीं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी डाउन है और कोरोना वायरस ऊपर से आया हुआ है। तो ओवरऑल नेक्स्ट मंथ की अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप मेरे हिसाब से ऑप्शन मार्केट में यहाँ देखिए आप पुट का ही कॉल लीजिए, सॉरी पुट ही लीजिए इस मंथ का। ये देखिए, कल अगर 26 मार्च का हम एनालिसिस करेंगे तो ये देखिए ग्लोबल मार्केट अभी पॉजिटिव चला गया और कोई भी अभी तक न्यूज़ निगेटिव नहीं आई है। तो इसी बदौलत ओपन भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, निगेटिव से ही क्लोज हो सकता है और ऊपर से एक्सपायरी भी है और अच्छी न्यूज़ कोई भी नहीं है। तो ये देखिए, अगर आप शुरुआती 10 बजे के बाद कल अगर मार्केट ओपन होता है तो 10 बजे के बाद ही अपनी पोजीशन लीजिए और अपने पुट का ये देखिए 18,500 का देखिए स्ट्राइक प्राइस है, अभी बंद हो चुका है। तो आपको 18,200 का पुट लेना है, 18,200 से लेकर 18,000 का पुट लेना है और सिर्फ 15-20 मिनट तक आपको वो पोजीशन होल्ड करनी है। देखिए, स्टॉप लॉस 10 से 20 का रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपीज़ का रख सकते हैं। मान लीजिए अगर 18,000 पे अभी प्राइस 299 है, तो ये देखिए आपका टॉप लॉस होना चाहिए 280-275 और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 260 का। तो वही अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप कीजिए और ज़्यादा टारगेट अगर होगा तो 299 का टारगेट रहेगा, 350 से लेकर 400 तक आराम से जा सकता है। तो ये रहेगा 26 मार्च का। अगर आप नेक्स्ट वीक का आप देखेंगे ऑप्शन चेन, तो मेरे हिसाब से आप सबसे बेस्ट है पुट अभी भी ले सकते हो, क्योंकि देखिए कल अगर मार्केट पॉजिटिव चला जाता है तो नेक्स्ट जो एक्सपायरी होगी यानी कि 1 अप्रैल से लेके फ्राइडे एक ही दिन रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। तो उस वीक में अगर कल मार्केट पॉजिटिव चला जाता है तो देखिए पुट के रेट कम हो गए। तो इस हिसाब से कल अगर मार्केट आधे से अगर ज़्यादा ग्रीन हो चुका है तो आप पुट जरूर लीजिए, आपको लगभग मुनाफा ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए पूरा ग्लोबल इंडेक्स निगेटिव है। कुछ न्यूज़ के चलते अभी पॉजिटिव हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाले। अगर एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो ये देखिए सेंसेक्स 15,000 तक नीचे जा सकता है, सपोर्ट दिखा रहा है, और निफ्टी का एनालिसिस कर दिया जाए तो लगभग फर्स्ट प्राइस रेंज है 6,200 की और नीचे है 5,000 तक, तो इतना नीचे जा सकता है। तो ये हो गए ऑप्शन मार्केट। तो हम देखेंगे कि इंट्राडे, अभी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग बहुत ज़ोर से चालू हुई। तो देखिए इसमें सिर्फ दो ही स्टॉक ऐसे हैं जो शॉर्ट सेलिंग से लेकर इंट्राडे बाय अपनी पोजीशन आप ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप बना सकते हो बिना देख मार्केट देखे। तो कैसे, तो हम शुरू करते हैं। देखिए पहला रिलायंस है, तो आप अगर रिलायंस का डे का चार्ट देखेंगे तो मूवमेंट लगभग ये देखिए डाउन ट्रेंड ही जा रहा है, कैंडल स्टिक से आपको बताता हूँ। हर दिन रिलायंस कंपनी के मूवमेंट 50 से 100 पॉइंट के लगभग, ये आप देख सकते हैं 980, अब ग्रीन चला गया क्योंकि पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, रिलायंस पॉजिटिव ओपन होता है तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट आपकी पोजीशन रखनी है। बाय का कॉल अगर लेते हो वो मार्केट के हिसाब से डिपेंड है, अगर मार्केट निगेटिव से शुरू होता है तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है।
1080 से आप मार्केट प्राइस से भी सेल करते हो तो कोई बात नहीं। ये देखिए कितना भी नीचे, अगर 50 पॉइंट नीचे भी जाता है रिलायंस, तो आप ये देखिए जब भी सेलिंग होती है तो रुकना नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा। ये देखिए पहली गली से नहीं ऐसी होती है, ऐसा कुछ नहीं। 50 पॉइंट भी अगर नीचे जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ और 100 पॉइंट नीचे जाता है। ये देखिए आज रिलायंस 50 पॉइंट पॉजिटिव ही था, देखने वाले देखेंगे कि अब क्या बढ़ेगा, ये 5-6% तो अभी बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। देखिए देखिए बढ़ गया, 100 तक गया, तभी बोले नहीं बढ़े। ये देखो देखिए 138 तक चला गया, तो कोई बता नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, जब भी ये स्टॉक बढ़ता है तब बाय की पोजीशन बना लीजिए और मार्केट के साथ ही चलना है आप, और आपको पोजीशन स्क्वायर अप कब करनी है, स्टॉप लॉस नहीं लगाइए। मैं आपको टारगेट देता हूँ, वही टारगेट आप लीजिए, या फिर स्टॉप लॉस अगर लगाने ऐसा नहीं लगे, सीधा आपको पोजीशन स्क्वायर अप करनी है, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मूवमेंट वोलेटाइल होती है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, हर बार हिट करेगा और आपको लॉस जरूर होगा, कि वन साइड ही चलेगी, कब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं। तो जब भी ये स्टॉक बढ़ेगा तो ये देखिए मार्केट डिप में हर किसी का आपका अलग है, जैसे अपस्टॉक का अलग है, शेर खान का अलग है, लेकिन सबसे ईजी शेर खान का ही सॉफ्टवेयर, तो आपको शेर खान का सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करते हो तो अच्छी बात है। यहाँ मिनिमाइज करके यहाँ मार्केट डेप में बायर सेलर दिखिए, और वहाँ अगर आप जीरो ब्रोकर से जीरो दा और आप स्टॉक करते हो, मैं तो वैसे ही करता हूँ, तो उसके एडवांटेजेस ले लीजिए, अच्छा होगा। बाय किया बड़ा बहुत, तो अगर ये देखिए मार्केट नीचे चला जा रहा है तो आपको कैंडल स्टिक कितनी की लगानी है डे में, 1 मिनट या 3 मिनट की पोजिशन बनानी। तो ये देखिए कैंडल स्टिक हमेशा बहुत बार बताती है, तो ऐसे अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो ये देखिए जाने दो, आपको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। अगर ये डाउन ट्रेंड जा रहा है, 2 कैंडल बना दिए, 3 कैंडल बना दिए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब ये डाउन ट्रेंड जाने वाला है, तो अपने पोजीशन स्क्वायर अप करनी है। और मार्केट डिप में क्या काम है, तो सेलर बढ़ गए, वन साइड बायर हो गए, सभी सेलर हो गए, तो आपको पोजीशन स्क्वायर अप करनी है। तो अब इसका उल्टा देखेंगे, तो शॉर्ट सेलिंग के बारे में बताएंगे। शॉर्ट सेलिंग जब निगेटिव चल रहा है पूरा मार्केट, तो आपको क्या करना है, तो रिलायंस कंपनी मार्केट पोजीशन से आपको स्क्वायर अप करनी, शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो पहले आप इसे सेल कीजिए, और जो मैंने बाय के लिए ट्रिक बताई है वही ट्रिक आपको सेल के लिए बतानी है, लगानी है, और जितना नीचे जाता है आपको रुकना है, रुकना है, रुकना है। जब भी आपको बायर ज़्यादा होने लगे और सेलर कम, और चार्ट एनालिसिस जरूर कीजिए, कुछ नहीं होता, चार्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। ADX ATR ये दोनों अगर लगा देते हो कैंडलस्टिक, मैंने इससे पहले बताए, तो काफ़ी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखता है रेड रेड अगर जा रहा है 2 बार 3 बार, और मार्केट डिप में सेलर कम हो रहे बायर ज़्यादा, वन साइड मूवमेंट चलने लगी, तो आपको वही अपनी पोजीशन स्क्योर अप करनी है, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना है, आपको लॉस ज़रूर होगा। और स्टॉप लॉस अगर लगा नहीं है, कभी कभी अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं मिला, या फिर अचानक इतनी वोलेटाइल मूवमेंट हो गई कि अचानक ऊपर आ गए, तो आपको लॉस भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है, तो आप 5 का टॉप लॉस लगा सकते हैं, 5 से 10 का, ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करनी अगर लॉस में भी, क्योंकि ये देखिए कभी भी वोलेटाइल मूवमेंट होता है, अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो ज़रूर डाउन ट्रेंड ही जाएगा, ये ऊपर कब जाता है मार्केट एंड में या फिर न्यूज के चलते, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो आपको थोड़ा समय रुकना भी है। तो ये होगा पहला शेयर जो शॉर्ट सेलिंग और इंट्राडे बाइंग के लिए सबसे बेस्ट हो। तो दूसरा कौन सा है, तो ये देखिए बैंक में सबसे अच्छी बैंक, मेरे भरोसे भी नहीं, आप एनालिसिस कर सकते हैं या फिर कोई भी वीडियो देखिए, तो इस हफ्ते इस मंथ में 2 स्टॉक सबसे अच्छे रहे इंट्राडे और शॉर्ट सेलिंग में, तो एक रिलायंस और दूसरा है इंडसइंड बैंक। ये देखिए ये इतनी गिर चुकी है बैंक, इससे ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग और बाइंग आप कभी नहीं दे सकते, इस बैंक ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है। ये देखिए अफवाह के चलते ये स्टॉक बहुत नीचे आ चुका है, ये देखिए कोई भी गलत अफवाह किसी भी स्टॉक को नीचे ला सकती है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडसइंड बैंक है। ये देखिए मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, इनका NPA भी कम हो चुका है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन यस बैंक के चलते लोगों को ये लगा कि ये बैंक डूबने वाले है, अपवा के चलते बहुत नीचे गिरा, तो एक मंथ ये स्टॉक ऐसा बन गया इंट्राडे और शॉर्ट सेलिंग के, तो हर बार नीचे ही जा रहा है, तो इस
स्टॉक में भी आपको पोजीशन वैसे ही करनी है। अगर ये स्टॉक नीचे जा रहा है इंट्राडे के लिए, देखिए मार्केट जब ओपन होता है 9 बजे, तो आपको इंडिकेटर जरूर लगती है। 9:07 में आपको सेंसेक्स और 9:15 में आपका पहला ट्रेड शुरू होता है, तो उस बीच मूवमेंट होती है। अगर निगेटिव होती है, ये स्टॉक ऐसा है कि इस पूरे मंथ में सबसे ज़्यादा निगेटिव रहने वाला पूरे शेयर मार्केट में, निफ्टी बैंक में यही स्टॉक है एनालिसिस के चलते। अगर आप देखेंगे, एक मिनट का रहने दीजिए, आप वीकली देखिए क्योंकि मंथली तो निगेटिव है, वीकली भी देखिए सबसे ज़्यादा गिर चुका है 1500 से लेकर अभी प्राइस 300 तक, यानी सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी। और आप मार्जिन भी अच्छी खासी यूज कर सकते हैं और मनी भी बच सकते हैं। देखिए रिलायंस 900 और 1000 का है, लेकिन ये 300 में, और इसकी मूवमेंट रिलायंस जितनी है 50 से 100 पॉइंट, तो ये शॉर्ट सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट शेयर है। लेकिन ये देखिए इसमें रिस्क भी बहुत है, इसमें इतनी वोलेटिलिटी है कि आप बता नहीं सकते कि कब बायर्स बढ़ेंगे और कब सेलर्स, कोई भी नहीं बता सकता। तो आपको इसमें इस स्टॉक में जरूर स्टॉप लॉस लगाना है, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अगर बाय करते हो 300 में तो स्टॉप लॉस 290 तक रखना ही है, अगर सेल करते हो तो 310 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन देखिए आपको 10 से 15 मिनट तो अपनी पोजीशन होल्ड करनी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तक, क्योंकि देखिए ये स्टॉक हमेशा से नीचे ही जा रहा है एक मंथ से। अगर मार्केट निगेटिव से कल ओपन होगा तो मैं गारंटी देता हूँ ये 50 से 100 पॉइंट नीचे और ज़रूर जाएगा। तो आपको ये नहीं कि बाबा कि 5% ये नीचे ही गिर चुका है, 50 पॉइंट नीचे चला गया तो ये अब नीचे नहीं जा सकता, ऊपर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ज़रूर नीचे ही जाएगा क्योंकि वन साइड मूवमेंट ही रह गई है इस मंथ। तो आपको शॉर्ट सेलिंग के इंडसलैंड बैंक अच्छी है, इंडसलैंड बैंक और रिलायंस, ये दो कंपनियां इंट्राडे और शॉर्ट सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट है अभी तक। तो हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म, यानी कि देखिए 4 से 6 महीने तक ऐसे कौन से स्टॉक है आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो ये देखिए अभी मैंने जो बताई इंडसलैंड बैंक, ये देखिए बहुत अच्छी बैंक है, ये भी आपको अच्छे रिटर्न देगी। और आपको सेकंड अगर बैंक देखनी है तो यस बैंक, ये देखिए फंडामेंटल एनालिसिस से आप देखेंगे तो अब आरबीआई सपोर्ट में आ चुका है, मैनेजमेंट अब तो खुद आरबीआई का है और 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है और उनके मैनेजमेंट पे देखिए सबसे अच्छे दिग्गज वहाँ बैठे हुए। तो ये यस बैंक ऊपर ही जाने वाली है, तो आपको 25 से लेकर 20 तक आपको उसकी खरीदारी करनी और 100 तक आपको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 100 क्वांटिटी से नीचे रखिए क्योंकि आरबीआई के रूल के हिसाब से 100 से ज़्यादा अगर आप लेते हो तो 3 साल तक आपको वो पोजीशन सिक्योर अप नहीं करनी होगी, आपको बेचने की अनुमति नहीं देगी, तो वो एक रिस्क है। तो आप 100 से नीचे क्वांटिटी उसकी बाई करिए। और देखिए लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए 1 साल 2 साल के लिए नहीं, सिर्फ 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपको कौन से शेयर ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए पहला है रिलायंस UPL, दूसरा HDFC बैंक, इंडसलैंड बैंक, दूसरी बात करें तो ये देखिए झील कंपनी, बाकी का रहने दीजिए, और BPCL। तो इन स्टॉक की क्या है, ये देखिए रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ में और उसका डेट भी कम होने वाला है और अपने स्टेक वो बेचने वाली है, तो उससे वो अब कर्जा अपना जीरो करने वाला है। ये देखिए वो अनिल अंबानी का टारगेट है 2021 तक। तो इस न्यूज़ के चलते देखिए ग्लोबल मंदी है, तो आपको ज़्यादा बाय नहीं करना है, सिर्फ हर दिन 5 से 10 क्वांटिटी बाय करना है, वो भी डाउन मार्केट अप ट्रेंड में। देखिए आज रिलायंस आपको बाय ही नहीं करनी है, रिलायंस आपको बाय कब करनी है, देखिए 900 800 ऐसे टाइम में आपको बाय करनी है। ऊपर जाएगा ऐसा नहीं, नीचे जरूर जाएगा, एक दिन ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, पूरा मंथ बाकी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी ऊपर नहीं जाने वाला, एक मंथ तो आपको पूरा ग्लोबल मार्केट निगेटिव ही जाने वाला है। तो एयरलाइन स्टॉक 800 700 तक नीचे जाने वाला है, तो आपको मुझे भी पता नहीं कब तक नीचे जाएगा। तो आपको सिर्फ 5 या 10 जितना मिनिमम क्वांटिटी बाय हो सके तो उतना बाय करना, और अलग अलग स्टॉक की, एक सेक्टर की आपको एक ही कंपनी बाय करनी है। बैंक में अगर आप एक ही बैंक का टारगेट करते हो तो अच्छी बात है, इंडसलैंड हो गई या फिर HDFC, सेफेस्ट में जाना है तो इंडसलैंड और HDFC दो हो सकते। रिटर्न के मामले में अगर 1 साल आपको रहने तो ये देखिए ICICI बैंक, ये भी अच्छी बैंक है, लगभग 50 से लेकर 100% का रिटर्न दे सकती है। अगर बाकी की बात करें तो वही रिलायंस एक है जो पेट्रोकेमिकल के लिए आती है, बजाज फाइनेंस में बजाज फाइनेंस अच्छा है, ऑटो सेक्टर में मारुति की प्राइस ज़्यादा है, तो आप बाकी के शेयर्स ले सकते हैं जैसे
हीरो मोटो हो गए और उससे भी अच्छा है फोर्स मोटर, ये स्टॉक हो सकते। और एंटरटेनमेंट में देखें मीडिया में जिल, तो ये सेक्टर की कंपनी अभी के लिए आपको बाय करनी है। नेक्स्ट मिनट मैं आपको बताऊंगा आप कौन से कंपनी बाय कर सकते हैं। देखिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, सिर्फ 2000 से लेकर 5000 के अंदर ये स्टॉक बाय करने। एक स्टॉक में आपको 50000 नहीं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 50000 तक ही इन्वेस्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कितना आपका अकाउंट बैंक बैलेंस है। तो आपको वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 10-5 ऐसे टारगेट से आपको वो बाय करनी है, तो आपका एवरेज कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिटर्न सिर्फ 2 या 3 मंथ में आपको 100 से 200% का रिटर्न आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो, अगर और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट के ज़रिए भी आप बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।